आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आम आदमी पार्टी की इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप सबका वेलकम करते हैं। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है और उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग है और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कुछ बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान, हमारे सांसद सरदार भगवंत मान साहब से कहूँगा कि लुधियाना ईस्ट से एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने 2012 में विधानसभा का इलेक्शन लड़के एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे 22,500 वोट लिए, बहुत बड़ी बात होती है एक आज़ाद कैंडिडेट के लिए 22,500 वोट लेना। और फिर 2017 के चुनाव में 41,500 वोट लिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनके पूरे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे सरदार दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी, आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं। मैं मान साहब को कहूँगा कि उनके बारे में दो चार बातें आपसे साझा करें, आपसे बात करें और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराएं। मेहरबानी जी, सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। भोला गरेवाल जिहड़े ने वो राजनीति कोई नवे नहीं है। सो जिस तरह राघव जी ने दसिया कि 2012 चो आज़ाद लड़े सी, 2017 दे विच वो जड़ा लुधियाना ईस्ट तो लड़े सी ते 41,000 तो ज़्यादा वोटा लिया सी। आम आदमी पार्टी का पहला भी हिस्सा रहे ने, कुछ विचारक मतभेद जिवें परिवार च हो जाते हैं ते उस तो बाद आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, पर कांग्रेस का अंदरूनी कलेश ते कांग्रेस का हाल देख के तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी वालों ही वापस जिहड़ा अपने इलाके की सेवा करना चाहना, कोई शर्त नहीं लैके आए, कोई कंडीशन नहीं लैके आए। तो वो कहिंदे जिवें सवेर दा भुल्लिया शाम नूं घर आ जाए तां उहनूं भुल्लिया नहीं कहिंदे। तां भोला जी दा असीं स्वागत करदे हां साडे इस परिवार दे विच। ते म्यूनसिपल कारपोरेशन दीआं चोणां दे विच बहुत वड्डा योगदान रहा, जदों असीं लड़े सीगे उस वेले साडा लोक इंसाफ पार्टी नाल अलायंस सीगा। तो मैं भोला जी का तो उन्होंने साथियों का बहुत सारे बाहर खड़े ने, इन्हां दे जिहड़े सपोर्टर ने आए ने, पर इत्थे जगह की थोड़ी जी कमी होण करके असी सिर्फ चुनिंदा लोग ही बुलाए ने। सो मैं उन्हां दा आम आदमी पार्टी च स्वागत करदा, वेलकम साडे सारे साथियों का भी। सो हर रोज़ आम आदमी पार्टी दे विच परिवार दे विच वाधा हो रहा है, हर रोज़ समाज के वख वख वर्गों चों भावें वह खिडारी होण, भावें वह समाजिक कारकुन होण, धार्मिक शख्सियतां होण, रिटायर्ड टीचर, वकील, जज, जिन्हें भी पंजाब दे विच पंजाब दा भला चाहुण वाले लोग ने, उन्हां दी पहली पसंद जिहड़ी है वह आम आदमी पार्टी है। सो पंजाब नूं दुबारा पंजाब बनाउण दा सुपना लैके पंजाब नूं दुबारा पंजाब बनाउण दी जिहड़ी लड़ाई असीं लड़ रहे हां, उहदे विच उहनां दा साडा सहयोग चाहीदा है। आउण वाले दिनां च होर भी बहुत वड्डियां वड्डियां ज्वाइनिंग जिहड़ियां ने उह हुंदियां रहिणगियां, क्योंकि लोक कांग्रेस ते अकालियां तो अक चुके ने,
तो बीजेपी तो खैर पहला भी बीजेपी का किसी गिणती पंजाब नहीं रही तो इस करके असी साढ़े परिवार रोज़ वाधा होंदा और क्योंकि पार्टी नवी है सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी है जे कही तो पंजाब 2014 ही आए थे 7 साल पुरानी पार्टी है तो हजे बहुत सारे लोगों ने जोड़े चंगे लोग ने जोड़े पहला राजनीति गंधला ज राजनीति गुंडागर्दी ज पैसे वाले का खेड कहते अज उन्हें हिम्मत पै रही है आम आदमी पार्टी करके कि हाँ असी भी हिस्सा बन सकते हैं असी भी योगदान पा सकते हैं जरूरी नहीं कि किसी मंत्री दे मुंडे पुत भतीजे होना है जे राजनीति ता ही आओगे ज किसी तनाड़ का ज किसी पैसे वाले का कोई जड़ा बैकग्राउंड होनी चाहिए है। सो आम आदमी पार्टी ने साबित किया कि 5-5 रुपये 10-10 रुपये 50-50 रुपये 100-100 रुपये लोगों के चंदे चलने वाली पार्टी जी है वह अज दिल्ली के तीजी बार गवर्नमेंट बना के लोगों की सेवा कर रही है और उन्हों की दिल्ली के काम जोड़े ने वो पूरी दुनिया के चर्चा के जी। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू, हम 2017 से एक बात कह रहे हैं कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस, और आज इस बात का सबूत खुद अकाली दल के राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल साहब ने दे दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को 2017 का चुनाव जीतने से रोकने के लिए बीजेपी ने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, अकाली दल को कहा कि अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दो। इस पोजीशन में है कि आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सके, आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में किसी भी सूरत में जीतनी नहीं चाहिए और कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर को चुनाव जिताने में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का 2017 के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान था। हम तो ये बात पिछले 5 साल से कह रहे हैं लेकिन आज अकाली दल के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता बड़े नेता नरेश गुजराल साहब ने यह बात खुद बोली भी है कबूली भी है। कैप्टन और मोदी साहब एक ही हैं, यहां तक कि कैप्टन साहब जब दिल्ली भी जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिलते, राहुल गांधी से नहीं मिलते। मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग हुई और उसी के चलते आज पंजाब की हालत है। मैं एक चीज बस और कहना चाहूंगा कि आज पंजाब में सारी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी अपने रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, कैप्टन अमरिंदर को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, बादलों को, अकाली दल को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, और बसपा को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना। बसपा को सीबीआई, ईडी और इन सारी एजेंसियों से मोदी जी चलाते हैं, बादल परिवार के कितने नेड़े हैं, कितने क्लोज हैं, आज भी घरेलू संबंध है ये आप सब जानते हैं, और कैप्टन साहब को तो पॉलिटिक्स में रीबर्थ देने वाले, पुनर्जीवित करने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। तो चारों पार्टियों को, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना
और अपने अलायंस पार्टनर का सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराया कि 17 के चुनाव में झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ना जीत जाए। आम आदमी पार्टी जीतती तो आज इसमें से आधे नेता जेल में होते, पंजाब के स्कूल अच्छे होते, पंजाब के अस्पताल अच्छे होते, पंजाब के हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होता, बिजली मुफ्त होती, पानी मुफ्त होता, हम सबका भविष्य उज्जवल होता। लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई। अभी तक तो हम आरोप लगाते थे, आज नरेश गुजराल साहब राज्यसभा सांसद अकाली दल के खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा वोट और भाजपा का वोट नरेंद्र मोदी जी ने कैप्टन को दिया कि कैप्टन जीते। तो कैप्टन साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं नरेंद्र मोदी। मैच फिक्सिंग के चलते रल मिलके इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को रोकने का काम किया है। मैं 17 के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के साथ इन लोगों ने किया उसकी दुहाई देते हुए पंजाब की जनता को कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी का शासन नहीं चाहते पंजाब में, अगर आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या पिछले दरवाजे से पंजाब में सरकार ना बनाएं, पंजाब को ना चलाएं, तो सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, एक ही ऑल्टरनेटिव है आपके पास, उस ऑल्टरनेटिव का नाम है आम आदमी पार्टी। मैं मान साहब को भी कहूँगा कि इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालें। देखो वैसे तो बहुत ही डिटेल च गल हो गई है, हुण तो बहुत सारे सबूत मिल गए, बच्चे बच्चे नूं पता लग गया कि ये मिले हुए ने, भावें वह बरगाड़ी वाला जिहड़ा बेअदबी कांड है उहदे विच दोषियों नूं बचाउणा, इत्थों तक कि हाई कोर्ट दे विच वी इन्ने मतलब लाइटली उस केस नूं लैणा कि जी आपां नूं आ ऑर्डर दवा दो जी, आ हुण कहिंदे आ कि असीं जावांगे उत्थे सुप्रीम कोर्ट। सो जिन्ना भी माफिया जिन्हां नूं कहिंदे सी असीं लक तोड़ देंगे, आ कर देंगे, वह कर देंगे, सारा कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ पग्गां दे रंग बदले है, होर कुछ नहीं बदलिया। जां फिर एक चीज़ होर बदली है कि पहलां 10 साल लोग कुट खाण वास्ते बेरोज़गार, चाहे वह डॉक्टर होण, चाहे वह ETT वाले होण, चाहे लाइनमैन होण, आंगनवाड़ी वाले होण, किसान होण, पहलां पंजाब दे लोग कुट खाण वास्ते बठिंडे जांदे सी, हुण उन्हां नूं पटियाले जाणा पैंदा। सिर्फ एक शहर बदलिया, होर कुछ नहीं बदलिया, बाकी सब कुछ सेम है, रेते दीआं खड्डां सेम चल रहीआं ने। जिवें हुण उदों हिसाब किताब लैण गया सी हुण पिछे जे सुखबीर बादल, कि ठीक चल रहा काम ना, जिवें आपां खेत जाने आ जां कोई आपां फैक्ट्री जाने भी साडी फैक्ट्री ठीक चल रही है, वह देखण गया सी भी ठीक चल रहा काम, नाल फीता भी लई फिरदा सी भी साडे वाला हिस्सा सानूं प्रॉपर मिल रहा है जां नहीं। सो इत्थों इह सिद्ध हुंदा कि इहनां दे जिहड़ा माफिया उह सेम है, कैप्टन साहब नूं अगे वधा रहे ने, बहुत वारी साबित हो गया, हुण तां पंजाब दे लोकां नूं पता भी लग गया इस गल दा। सो ये 2017 च उहनां ने कीता, चलो असीं भी उदों नवें सी पर साडे कोल हुण तजर्बा हो गया। 2022 दे विच पंजाब दे लोक हुण अगला धोखा नहीं खाणगे, उह दोनों तों अक्के पए। मान साहब एक कल राजा वड़िंग ने पोस्ट शेयर की कि मनप्रीत बादल अकालिया ही चैक बन रहे हैं 15-15 लाख, मन दुखी होंगे कि उही अकाली दल जिन्होंने गाला करते थे उन्होंने ही हूँ फोटो उन्होंने शेयर से फिर उही तो अभी कहने कि वित्त मंत्री कांग्रेस के पैसे अकालिया, ये तो हम उन्होंने आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके MLA कह रहे हैं कि सानू तो यही शक है भी उत्थे फोटो लगदियां ने जिहड़ियां, जां जिथे भी जाते हैं उन्होंने पैसे देंदे। सो आप च इक्को ही ने, मैं कल तुहानू दस्सिया सी बिजली वाले जिहड़े उहदे विच भी इक्को ही ने सारे, बिजली दी जिहड़ियां कंपनियां तो फंडिंग लई है। सो ये रल मिल के खेडते हैं, पर इस बार नहीं, क्योंकि पहला इन्हां कोले लोकां कोले कोई राह नहीं हुंदा सी, पहले तो दुखी होके दूजे कोले, तो दूजे तो उदू बाद दुखी होके फिर पहले कोले, हुण तीजा ऑप्शन जिहड़ा वो आम आदमी पार्टी है, तो हुण इन्हां ते झाड़ू फिरूगा जदों तां इह राजनीतिक गंदगी जिहड़ी है साफ होगी। ये भी इस गल का सबूत है कि असीं 5 साल ठेके दे दित्ते, थोड़ी रैसट कर लीए, कहा उन्हें बयान मैं भी सुने कि जिवें कहिंदा 5 साल आपां थोड़ी जी रैसट कर लीए, 10 साल हो गए सी बस आउने आपां। सो ये तो पंजाब नूं एक ट्रक वांगू चलाउंदे सी, जिवें जिहड़ा ड्राइवर है वह कई बार क्लीनर नूं फड़ा आंदा जिथे जे सड़क साफ होवे, थोड़ा जिहा तूं चला ला 20 किलोमीटर। सो ऐं पंजाब नूं चलाउंदे रहे आ ये। सो इन्हां दे सारिआं दे हुण भेत खुलणगे। तुसीं कल ट्वीट कीता सी नवजोत सिद्धू लई,
उस पर नवजोत सिद्धू का हमने उन्हें रिप्लाई आया कहते जी जिहड़े मुद्दे मैं चुकता रहेगा विरोधी धिर लगातार उसकी तारीफ करती रही और मेरे मुद्दों ही लगातार चुकती रही है चाहे बेअदबी का चाहे ड्रग का फार्मर इशू है करप्शन का या पावर क्राइसिस है और एक क्लीयर है कि वह भी जानते हैं कि पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। ये ऐड ऑन है जी राजकुमार वेरका दिल्ली पहुँच गए कहते हूँ मैं खुलासा करा कि आम आदमी पार्टी कितों कितों फंड लेंदी है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार वेरका जी इसे काम के रखे हुए हैं उन्होंने तो उन्होंने दिल्ली भेज देंगे वो इधर इधर जो जो उन्होंने पता लगता कि इधर यार गल चल रही है ना ना इधर कैबिनेट के रद्दो बदल दी फिर उन्होंने इधर भाजद शायद मैंने कित दिल्ली भेजता हो मेरा ना कि कट जाए वह आते जाते रहेंगे राजकुमार वेरका जी का कोई प्रॉब्लम नहीं पर तुहाडा दिन मैं कल यही कह कि सिद्धू साहब एक ट्वीट तो बनता ना फिर यही मुद्दा नहीं हूँ कि तुम लारसन एंड टुबरो कंपनी तो तुसी वेदांता तो तुसी जीविके तिने कंपनियां दे जिहड़े थर्मल प्लांट ने उन्हां तों तुसी करोड़ां रुपया लै रहे हो और पैसा जा रहा है 24 अकबर रोड जिहड़ा इहनां दा दफ्तर है उहदे खाते च ते फिर एक ट्वीट तां मैं क्या बनता है ना फिर भावें घट अखरां ना कर लो इह च कीड़ी गल है एक तां करो ना फिर मैं तां आही कहा जे ट्वीट कर देणगे मैनूं खुशी होऊगी हाँ भी नवजोत सिद्धू किसे नूं नहीं बख्शदा भाई हैं भावें आपदिआं च होवे गलती इह कढ़दा है। सिद्धू नूं पुछो जी नहीं असं पहले भी कह चुके पर हूँ आपकी पार्टी के प्रधान मेरे ख्याल चार पांच बारी तो उन्होंने डिप्टी सीएम बना चुके हो तीन चार बारी तुम प्रधान बना चुके हो सूत्र 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 है ना वो आ कर करके मैं लगता भजा भजा के तुम उन्होंने वो कर रहे हो सो मैं तो यही कहना सिद्धू साहब जिथे रहन जिहड़ा जिहड़ी मर्जी पार्टी जाओ पर पंजाब दे भले की गल करो जे वो आपकी पार्टी च भी कोई नुकसान वो भी कट दे। राघव जी मेरा एक क्वेश्चन है तुसी हलका इंचार्ज लगा रहे हो ऐसी इन्हां नूं ये मन्नी है भी ये जिहड़े तुसी पार्टी टिकट देनी है एमएलए दियां ये ओह है गया इसी दे नाल दूसरा क्वेश्चन सर ये है जिहड़े हलका इंचार्ज लगाए आ उहदे विच जिहड़े ऑलरेडी कोई इलाकिआं च अपने काम कर रहे सीगे उहनां ने विरोध लगा देखिए हलका इंचार्ज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी पार्टी बड़े सोच समझ के किसी एक आगू को एक नेता को हल्का इंचार्ज की जिम्मेदारी देती है। टिकट किसको मिलेगी इसका फैसला चुनावों के आसपास होगा। हल्का इंचार्ज का मतलब टिकट नहीं है जिम्मेदारी है संगठन की सेवा करना सूबे के लोगों की सेवा करने के लिए एक मौका दिया गया है इसको टिकट से कतई भी कन्फ्यूज ना करें। और हमारा परिवार एक है हमारे परिवार में सब एक हैं। मुझे हल्का इंचार्ज साथ वाले को कोई बुरा नहीं लगता हम सब एक होकर मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और खाली हम नहीं पंजाब की जनता हमारे साथ खड़ी है वो हमें कह रही है कि इस बार चूक मत जाना इस बार गलती मत करना अगर पिछली बार कोई गलती हो भी गई इस बार मत करना ध्यान से चलना कदम फूंक फूंक के रखना तो हम फूंक फूंक के कदम रख के चल रहे हैं बहुत ध्यान से चल रहे हैं और इस बार चाहे अकाली दल भाजपा कांग्रेस बसपा सारी पार्टियां एक होकर भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ना तो पंजाब की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देगी। मेरा क्वेश्चन है जिहड़े तुसीं हलका इंचार्ज लगाया जिस टाइम तुसीं टिकटां दोगे तो इन्हां दे नाम ते भी विचार करोगे या इन्हां दे नामां ते कोई विचार अब मेरी सारी स्ट्रैटेजी मुझसे आज पूछ लोगे अब तो थोड़ा बहुत तो मैं इलेक्शन के पास बताऊंगा आज नहीं बताऊंगा। सीएम का चेहरा तुसीं अपॉर्चुनिटी की मान साहब सीएम का चेहरा हो सकते हैं चाहिए गल दे विच सीएम के चेहरे के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे जब आप जदों पता लग गया तैनूं आपको शामिल करेंगे पार्टी में बिना शर्त करेंगे जब नहीं पता की और उससे रिलेटेड है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो है जो स्पेशली पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में उसका क्लोजर योर पार्टी सॉट द गवर्नमेंट सॉट द क्लोजर ऑफ दैट हालांकि आपका स्टैंड सर पार्टी क्या है यू सॉट द अपग्रेडेशन ऑफ थर्मल प्लांट्स नो वी प्लीज लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज एन ऑन गोइंग मैटर इन द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड द एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 20-25-30 ईयर्स
एंड इन दैट मैटर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट्स दैट यू हैव टू इंस्टॉल दिस पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इन योर थर्मल पावर प्लांट्स एंड इफ यू फेल टू डू सो देन इन दैट इवेंट यू हैव टू सीज ऑपरेशन ऑफ दैट प्लांट. आपको वो प्लांट बंद करना है. ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है. झूठ फैलाया जा रहा है. इट इज अ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड नोटिफिकेशंस पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट. और हम तो साफ कहते हैं कि ये सारे थर्मल पावर प्लांट जो प्राइवेट चल रहे हैं और जो प्राइवेट पीपीए हैं, ये बादलों ने और कैप्टन साहब ने मिलकर किए हैं. आज भी इनकी जेबों में पैसा आता है वहां से. पंजाब लुटता है लेकिन इन लोगों की जेबों में पैसा जाता है. ये सच्चाई है. और एक बार मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. जो पंजाब में जो पीपीए हुए तीनों थर्मल प्लांट के, उसमें ये क्लॉज नहीं है कि यू हैव टू डू द अपग्रेडेशन. ये उनके लिए जरूरी नहीं है. जब भी उनको कोई सरकार बोले कि अपग्रेड करो जी, आप वो पोल्यूशन का जो यंत्र है वो लगाओ, वो कहते हैं ठीक है जी, 1000 करोड़ एक प्लांट का लगेगा, 3000 करोड़ दे दो, हम कर देते हैं. हमारे उसमें एग्रीमेंट में तो ये जरूरी नहीं है. ठीक है ना. ऐसे ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जो 25 साल में पंजाब को नोच नोच के खा जाएंगे. 25,000 करोड़ का ये सारे प्रोजेक्ट थे, अब तक 52,000 करोड़ रुपया पे कर चुके हैं. अगर ये समझौते की मियाद है, तब तक हम 2,10,000 करोड़ उनको दे चुके होंगे. चाहे वो चलें चाहे ना चलें, उनको मिलता ही है. ठीक है ना. सो ये समझौते अकाली दल ने किए थे और अकाली दल वाले खुद ही धरने दे रहे हैं आज. अरे तुमने तो ये सफ़ेद हाथी जो है वो पंजाब को दिए हैं, आप किस मुंह से धरने दे रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हो. तो अकाली दल वाले जो हैं वो तो मतलब अपनी खोई हुई ज़मीन जो है वो तलाश रहे हैं. और लेकिन लोगों के दिलों से अकाली दल बिल्कुल निकल चुका है, नफरत के पात्र.